अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूँ जीहा और आप देख रहे हैं जीहा चौधरी फूड सीक्रेट्स। गाइस, आज हम आपको कस्टर्ड की नहायत आसान और मज़ेदार रेसिपी बताने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 2 kg दूध लेंगे। अब हम दूध को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गाइस, अब हम मिल्क को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। गैस, दूध अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। दूध को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम एक डूंगी लेंगे, इसमें 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अब हम कस्टर्ड पाउडर को दूध में ऐड कर देंगे। और साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि हम चम्मच मुसलसल हिलाते जाएंगे। गाइस, अब हम इसमें 1 प्याली चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक मरतबा ऐसे इस तरीके से हिला लेंगे। हम इसे मज़ीद 1 घंटा तक पकाएंगे और बीच में चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि हमारा कस्टर्ड नीचे ना लग जाए और इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। देखें गाइस, माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से हमारा कस्टर्ड ठीक होना स्टार्ट हो गया है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत है। कस्टर्ड में हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना बैठे। गाइस, ये ईद स्पेशल रेसिपी है। गाइस, अगर छोटे ईद पर मीठा ना हो तो ईद का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। देखें गाइस, माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से हमारा ये स्पेशल कस्टर्ड रेडी हो गया है। गाइस, अब हम इसे सर्व करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। गाइस, अब हम एक बाउल लेंगे, जो कस्टर्ड हमने रेडी किया था इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर फ्रूट ऐड करेंगे। गाइस, फ्रूट्स में हम एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी दिल चाहे ऐड कर सकते हैं। पहले हमने एप्पल ऐड किए थे, अब हम इसके ऊपर बनाना ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। अब हम इसके ऊपर जेली ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर रेड जेली ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर बादाम ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर कोकोनट ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर किशमिश यानी सोगी ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा लेंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके ऊपर भी हम फ्रूट की लेयर लगा लेंगे। बनाना ऐड करेंगे। अब हम ग्रीन जेली ऐड करेंगे। देखें गाइस, माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से हमने अपना ही स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड सर्व कर लिया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।